वो क्या देखेंगे जब हम ही सब कुछ तबाह कर चले जाएंगे, ठीक है, जब उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर क्या देखेंगे वो। तो इस तरह से ये आपका पर्यावरण और रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट हमें सब कुछ दे रहा है, इसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। तो बाकी आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से, पानी, हवा, मिट्टी और जंगल, ईंधन, ये सब चीज़ें। अब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। नवीनीकरण कौन से होते हैं, जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा से यूज कर सकते हैं। उसमें क्या क्या आ जाते हैं आपके, सूरज की रोशनी है, पानी है, ठीक है, सूरज की रोशनी से आप सोलर सिस्टम वगैरह सोलर लाइट जनरेट कर रहे हैं, और जितना आजकल आज जो है दीवू, आपको पता है ना दीवू क्या है, दीवू क्या है, टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी है हमारी, ठीक है, हमारी टोटल कितनी है स्टेट और टेरिटरी कितनी है इंडिया में, कितनी स्टेट और टेरिटरीज है, पढ़ लेना, पारा पढ़ लेना ये, ठीक है, हाँ ये बड़ी कॉमन सी चीज है। आप एक भारत के नागरिक हो और आपको भारत में यही भी पता है कि भारत में कितने राज्य है, ठीक है, कितनी यूनियन, हाँ वही तो पूछ रही हूँ बेटा, 29 कितनी यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी पता है ना, पता है, ठीक है। तो दीवू भी उनमें से एक है, और दीवू एक ऐसी टेरिटरी है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसी सिटी है जहाँ पर टोटल 100% क्या हो गया है, सोलर लाइट्स पे वो डिपेंडेंट, सोलर सब कुछ सोलर से चल रहा है वहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और ये ईंधन वगैरह बिल्कुल जीरो। अब धीरे धीरे क्या इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएगी आपकी, इलेक्ट्रिक कार्स आने से क्या होगा, हमारे फॉसिल फ्यूल थोड़ा कम इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो ये है आपकी रिन्यूएबल, मतलब नवीनीकरण जो आपके संसाधन है, हवा भी है, हवा से क्या है, पवन ऊर्जा का उपयोग मतलब जनरेट की जाती है, पवन ऊर्जा जनरेट की जा रही है, हवा, पानी और सूरज की रोशनी, ठीक है, और नॉन रिन्यू